हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे चार्ट पैटर्न की जो बहुत ज्यादा यूज होती है और इस पैटर्न का यूज करके बड़े बड़े ट्रेडर्स प्रॉफिट अर्न करते हैं। दोस्तों, शेयर मार्केट में हेड एंड शोल्डर पैटर्न को सबसे लोकप्रिय रिवर्सल चार्ट पैटर्न के रूप में जाना जाता है। इस चार्ट पैटर्न का यूज करके ट्रेड करते समय बहुत से नए ट्रेडर गलतियां करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में जानते समय मेनली चार चीजों को ध्यान में रखेंगे। नंबर 1, हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है और इसे कैसे पहचानते हैं। नंबर 2, ट्रेड में एंट्री कहाँ करें। नंबर 3, स्टॉप लॉस कहाँ पर सेट करें। और नंबर 4, प्रॉफिट टारगेट क्या रखें। सबसे पहले हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैसे काम करता है इसके बारे में जानेंगे। इस पैटर्न में कुल 4 पार्ट्स होते हैं, पहला लेफ्ट शोल्डर, फिर हेड और बाद में राइट शोल्डर और सबसे आखिर में एक नेक लाइन। कुल मिलाकर इन 4 पार्ट्स को मिलाकर ये पैटर्न बनता है। चार्ट पर देखने में ये पैटर्न बहुत ही सिंपल दिखता है। इस चार्ट में प्राइस अप ट्रेंड में मूव कर रही है। दोस्तों, मार्केट में कोई भी ट्रेंड हो, प्राइस कभी भी एक सीधी रेखा में ऊपर नहीं बढ़ सकती। प्राइस को अगर अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो उसे हायर लो का फॉर्मेशन बनाते हुए आगे बढ़ना होगा। यहाँ इस चार्ट में प्राइस एक अप मूव देने के बाद ऊपरी लेवल्स पर सेलर्स मार्केट में अपनी एंट्री बनाकर प्राइस को फिर से एक बार नीचे खींचते हैं, लेकिन सेलर्स की संख्या कम होने से चार्ट पर छोटी छोटी कैंडल्स बनती है और प्राइस धीरे धीरे एक टाइट रेंज में कंसोलिडेट होते हुए नीचे आती है। निचले लेवल्स पर एक बार फिर से बायर्स मार्केट में अपना डोमिनेटिंग बनाए रखने के लिए फिर से बाइंग करते हैं, जिससे प्राइस पिछले हाई को तोड़ते हुए एक नया हाई बनाती है। लेकिन ऊपरी लेवल से फिर से सेलिंग प्रेशर आने से प्राइस एक बार फिर से डाउन साइड मूव करती है और प्राइस अपने पुराने स्विंग लो तक वापस आने से इस लेवल पर एक सपोर्ट एरिया बनता है, जिसे हम नेकलाइन कहते हैं। दोस्तों, प्राइस इस सपोर्ट लाइन से रिजेक्शन लेकर एक बार फिर से ऊपर जाने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ बायर्स की संख्या कम होने के कारण प्राइस ज्यादा देर तक इस लेवल पर सस्टेन नहीं होती और फिर से सेलर्स मार्केट में अपना पूरा कंट्रोल बनाते हुए प्राइस को नेकलाइन की तरफ पुश करते हैं। प्राइस को ऊपर ले जाने का बायर्स की तरफ से किया गया ये सबसे आखिरी प्रयास है। मार्केट में जितने भी बायर्स अभी अपनी पोजीशन होल्ड करके बैठे हैं, उनके लिए नेकलाइन एक आखिरी सपोर्ट एरिया है। अगर प्राइस यहाँ से और अधिक नीचे गिर जाती है तो ये बाकी बचे सभी बायर्स पैनिक में आकर अपनी पोजीशन कट करने में लग जाएंगे, जिससे मार्केट में सपोर्ट लाइन के टूटते ही एक पैनिक सेलिंग आएगी। जिन बायर्स ने अपने स्टॉप लॉस इस नेकलाइन के नीचे लगाए होंगे, उन सभी के स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे और प्राइस एक जोरदार डाउनसाइड मूव देते हुए नीचे चली जाएगी। इस प्राइस एक्शन के कारण चार्ट पर आपको हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बनते हुए नजर आएगा। यहाँ इस प्राइस एक्शन को देखकर आपको हेड एंड शोल्डर एक परफेक्ट रिवर्सल ट्रेड सेटअप नजर आएगा, लेकिन सभी हेड एंड शोल्डर पैटर्न ट्रेड करने के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते। किसी भी चार्ट पैटर्न में ट्रेड करने से पहले मार्केट के स्ट्रक्चर को जानना बहुत जरूरी होता है। अगर मार्केट में एक ट्रेंड अप ट्रेंड में चल रहा है और सिर्फ हेड एंड शोल्डर पैटर्न को चार्ट पर देखने से आप रिवर्सल ट्रेड में एंटर नहीं कर सकते। अगर मार्केट में स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है तो प्राइस एक छोटा सा पुल बैक लेकर फिर से अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर सकती है, जिससे आपकी ट्रेड एंट्री फेल हो जाएगी और आपको लॉस का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न में ट्रेड एंट्री बनाने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। इसमें है नंबर 1, हेड एंड शोल्डर पैटर्न में अगर राइट साइड का शोल्डर हेड से बहुत बड़ा हो तो आप ऐसे समय ट्रेड में एंटर करने से बचें, क्योंकि यहां मार्केट में बायर फिर से अपनी स्ट्रेंथ दिखाने में कामयाब हो गए हैं और सेलर्स अपना स्टॉप लॉस हंट होने के डर से अपनी पोजीशन से एग्जिट करने की कोशिश करने की संभावना ज्यादा बढ़ सकती है, जिस कारण ये ट्रेड एंट्री फेल हो जाएगी। नंबर 2, अगर राइट साइड का शोल्डर बनने में ज्यादा समय लगे तो ट्रेड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्राइस नेकलाइन तक आने में बहुत ज्यादा समय लगाने के कारण इस बीच बहुत से सेलर्स मार्केट में अपनी पोजीशन बनाकर बैठे हैं और प्राइस जैसे ही नेकलाइन तक पहुँचती है तो सेलर्स अपनी पोजीशन से एग्जिट करने से मार्केट में फिर से बाइंग प्रेशर बढ़ने से प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर सकती है, जिससे हेड एंड शोल्डर पैटर्न फेल हो जाएगा। और नंबर 3, अगर राइट साइड के शोल्डर की ऊंचाई हेड की ऊंचाई के 50% से ज्यादा हुई तो ये ट्रेडिंग सेटअप फेल समझा जाता है। दोस्तों, इन बातों को ध्यान में रखकर आप ट्रेड में एंट्री कैसे कर सकते हैं, आइए जानते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करनी है तो आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके बिल्कुल फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, हेड एंड शोल्डर पैटर्न को एक रिवर्सल ट्रेडिंग सेटअप के रूप में उपयोग में लिया जाता है, इसलिए मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो आप नेकलाइन के ब्रेकडाउन के बाद शॉर्ट ट्रेड में अपनी एंट्री बना सकते हैं।
लेकिन ये एक एग्रेसिव ट्रेड एंट्री मानी जाएगी। अगर आपको एक सुरक्षित ट्रेड एंट्री चाहिए तो आप ब्रेकडाउन के बाद प्राइस के सपोर्ट एरिया के आसपास रिटेस्ट करने का इंतजार कर सकते हैं। ये एक सबसे सही और असरदार ट्रेड एंट्री करने का तरीका है, जिससे आप फेक ब्रेकआउट के चक्कर में फंसने से बचेंगे। लेकिन बहुत बार ब्रेकडाउन इतनी तेजी से होता है कि आपको ट्रेड एंट्री का मौका नहीं मिलता। ऐसे समय में आपको प्राइस का पीछा करने से बचना चाहिए और प्राइस पुलबैक करने का इंतजार करना चाहिए। अगर प्राइस पुलबैक नहीं करती तो आप इस ट्रेड में एंटर करने का विचार दिमाग से निकाल दें। ट्रेड एंट्री के तरीके को जानने के बाद अब हम स्टॉप लॉस लगाने के बारे में जानेंगे। हेड एंड शोल्डर पैटर्न में आपको अपना स्टॉप लॉस ऐसे एरिया में रखना होगा कि अगर मार्केट वहां तक मूव करती है तो आपका ट्रेडिंग सेटअप फेल हो जाएगा। इसका मतलब आपका स्टॉप लॉस हेड एंड शोल्डर पैटर्न के ट्रेड करते समय पिछले स्विंग लो से कुछ ऊपर के एरिया में प्लेस करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो मार्केट वॉलिटिलिटी के कारण बहुत जल्द आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और आप ट्रेड से बाहर हो जाएंगे। अगर आप एग्रेसिव ट्रेड एंट्री करते हैं तो आपको स्टॉप लॉस पैटर्न के राइट शोल्डर के हाई के ऊपर लगाना होगा, इससे आप स्टॉप लॉस हिटिंग से बचे रहेंगे। चलिए दोस्तों, अब प्रॉफिट टारगेट कैसे सेट करते हैं इसे समझते हैं। हेड एंड शोल्डर पैटर्न में प्रॉफिट टारगेट सेट करने के लिए आप दो मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर वन, प्राइस प्रोजेक्शन मेथड, जिसे हम फिक्स टारगेट मेथड कहते हैं, और नंबर दो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड। पहले मेथड में हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में ब्रेकआउट के बाद प्राइस और कितना आगे मूव कर सकती है ये फिक्स करने के लिए हेड के हाई से नेकलाइन तक की दूरी को नापेंगे। उसके बाद उतनी ही दूरी का टारगेट हम अपनी एंट्री के बाद सेट करेंगे। इस मेथड को प्राइस प्रोजेक्शन मेथड कहा जाता है। लेकिन इस मेथड में आपका प्रॉफिट टारगेट फिक्स होने से आपको होने वाला प्रॉफिट भी लिमिटेड हो जाता है। लेकिन आपकी ट्रेड एंट्री के बाद मार्केट में चल रहा ट्रेंड और कितनी देर तक चलने वाला है ये कोई नहीं बता सकता। इस पूरे ट्रेंड को कैप्चर करने के लिए आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन कर पाएंगे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करने से आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करके अपने प्रॉफिट को सिक्योर कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये था हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न, जिसका यूज करके आप अपनी ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। और दोस्तों, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं इस चैनल पे लेके आता हूँ, तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और सिर्फ सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तब तक YouTube आपको हमारी वीडियो दोबारा दिखाएगा ही नहीं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारी वीडियो आ गई है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप भी घर बैठे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इंडिया के बेस्ट डीमेट ब्रोकर्स का लिंक दिया है, तो आप इस लिंक पर क्लिक करके अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। और दोस्तों, शेयर मार्केट से रिलेटेड डेली न्यूज एंड अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। जय हिंद, जय भारत।